हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मानवी और ड्रीमर मानवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज भी हूँ मैं अपने घर पे हृदयांश के नैनीहाल में, और धूप आ रखी है काफ़ी अच्छी, दिख रहा होगा मुझे छाया लगानी पड़ रही है। और आइए मिलाती हूँ मैं आपको हृदयांश से और हृदयांश की नानी से। ये बहुत काम का काम हो रहा है और ये कुछ करने नहीं दे रहा है। ये कितना काम करता है ये। चिलचिलाती धूप, आजकल बुआई का काम भी चल रहा है, हल जोतने का। और अम्मा भी अपने कमरे से बाहर को निकलते हुए, कुछ खाते हुए, कुछ खा के आते हुए। और अम्मा ने नहा धो के अपने कपड़े सुखा रही है, सूख गए हैं। धूप भी अच्छी है, हवा है पर धूप भी अच्छी है। अम्मा कुछ कहना चाहोगी? कुछ कहना चाहोगी? क्या खा रही हो तुम? आरती उतारू रे नन्नू। स्कूल से आ गई तुम? स्कूल से आ गई? कैसा लगा स्कूल? कोई दिक्कत आई है? कोई दिक्कत आई? नहीं आई। ये देखो भैया कहाँ बैठे हैं तुम्हारे भैया। बाल्टी में बैठे हैं महाराज, बाल्टी में बैठे हैं। कल अम्मा जा रही है दिल्ली को। तो भाई नीली में दर्शन जानी होगा। तू सुंदर तो छमा, मेरी सुंदरता का राज तुम ही तो हो। जो मैं इतनी सुंदर हूँ इसका राज तुम ही तो हो, और कौन है? सवेरे वाली गाड़ी से तुम चली जाओगी। तो तुम कुछ दिल्ली जा रही हो कल? कल तुम मेरी वीडियो में नहीं दिखोगी, तो तुम कुछ कहना चाह रही हो मेरे व्यूअर्स को? अच्छा, अल्लाह काट से मैं इसमें आलू आलू सब काटेंगे। पहले तुम बताओ, कुछ कहो। क्या अपने कुछ क्या कहो? अपने इन दोनों लिप्स से कुछ बोलो, इतने होठों को खोलो, कुछ बोलो। क्या करूँगा बता, कुछ बोलो फिर। अम्मा क्या बोला? कल तुम दिल्ली चली जाओगी, तो क्या करो? वहाँ से बिल्ली लाओगी? बिल्ली? हाँ। अच्छा, तो क्या लाओगी फिर तुम? आलू छोड़ दे। क्या खा रही हो तुम? अखोड़ के ताने छोड़ दे, बहुत ज्यादा आओगी तुम। खाना चाहते जब मेरा भाव चाह रहा हो। गुनो, ये मेरा भाव। तुम किसको याद करोगी अम्मा सबसे ज्यादा? तुम्हें किसकी याद आएगी? किसकी याद आएगी सबसे ज्यादा? बब्बू और अम्मा की बहुत लड़ाई हो रखी है, पर अम्मा अच्छा उसे ही मानती है। मम्मी लेके जा रही है। ये होते हैं कि मतलब गाय वाय ना आए, जंगली जानवर वगैरह ना आए, खेत की तरफ लेके जा रही है। और भैंस ये अकेला पड़ गया है इसलिए रोता है अकेला। क्या बाबू, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मा मा ना ना ना, थोड़ा मार रहा, थोड़ा नहीं मार रहा। सेवरन, ये है हमारा अमरूद का पेड़। और मम्मी यहाँ पे पुलम का पेड़ था, कहाँ चले गया? अमरूद तोड़ी हो तुम? और ये पुलम का पेड़, ओहो यार, ये तो मेरे सामने हुआ था। मम्मी तूने तो लगाया था ना, जो ये ताई जी घर में नुकसान तो नहीं हुई यार? पर अगर हाँ भैया काम वो आपका हॉल सही हो। ये इस बार जो बारिश हुई उसमें सब ढह गया घर आस पास, तो ठुल बोट होने नहीं जानू थी। पेड़ जिसमें छोटे 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 नींबू आते हैं ना मम्मी, ये है। और ये तोड़ी मम्मी अमरूद, मम्मी ने ही लगा रखे हैं अपने नैनीहाल से लाके ना मम्मी। ये मम्मी के वहाँ के हैं अमरूद, मायके के अनार का पेड़ भी तो है मम्मी। मम्मी ना ना, ठंडा हो रहा है यार मम्मी, इसलिए नहीं खा रही हूँ। क्यों छिछी मम्मी, तू क्यों लगा क्यों पर जब तू कट रहे? ये अनार का पेड़ है ये ना मम्मी, ये सूख क्यों गया अभी इतना?
अच्छा ये गिलोई है मम्मी ने, जब कोरोना हुआ था उस समय पे काफी गिलोई लगाई। और मम्मी गिलोई गिलोई करा रहा हूं पुलम के पेड़ में। तुम खाती हो फिर इसे? अच्छा। और ये वो भिकवे का पेड़ है, अगर कोई पहाड़ से होगा तो मम्मी पापा के हाथ से खूब खा रखे होंगे इसके डंडे, तब तो याद ही होगा, तब तो इस पेड़ को तुम पहचानते होगे। हैं? नहीं क्यों नहीं खाए हैं, तुमने कितना मार रखा है हमें। हाँ फिर भूल गए तुम, दूसरे के बहकावे में आके तुम अपने बच्चों को पीटते थे। यही वो माँ बाप हैं जो दूसरों के बहकावे में आके अपने बच्चे को इसी भिकवे के सिकड़े से, इसी पेड़ की एक पतली पतली डंडिया होती है भी दिखाती हूँ मैं आपको, उससे मारते थे। अच्छा मम्मी कह रही कि हरेले के पेड़, हरेले के दिन इस पेड़ की, अनार का ये जो पेड़ है इसकी बस पानी में डाल, मतलब मिट्टी में डाल के इसकी कोई भी टहनी को लग जाता है अनार का पेड़, कह रही है ऐसे ही लगाया था मम्मी ने, मुझे याद है अमरूद का पेड़। A few moments. खेत में और ताई जी मैं बोहला तू धान क्यों कती तू इतियो नहीं रोई तू नहीं करन हो तू फिस दे आता जी। ये ताई जी का कुत्ता भी आ रखा है, ये दो एल तुमरे दो इतना ले। एवरीवन मैं गई थी ताई जी लोगों के संग खेत में, उसे बोलते गोबर, गोबर डालने, गोबर बोलते उसे गाय का गोबर, वो खाद के रूप में उपयोग होती है खेतों में और उससे फसल अच्छी होती है, तो हम वो डालने गए थे। अब मैं सोच रही हूँ कुछ हरी सब्जी बना ली जाए, लाई, लाई बोलते इसे शहरों में भी लाई बोलते हैं, तो आइए मेरे संग लाई तोड़ते हैं। पेड़ ये सूख गए हैं अब। सो एवरीवन ये है गन्ना, गन्ने का पेड़। सो एवरीवन जो पहले गन्ने का पेड़ था वो बहुत मोटा था, बहुत अच्छा था, अब ये मीठा तो है बट ठीक है, पहले वाला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गन्ने का पेड़। ये थोड़ा पतला है, इसके चार के बराबर उसका एक ही था। आइए मैं दिखाती हूँ आप, ये मम्मी ने लगा रखा है लहसुन वहसुन, लाई भी दिख रही है बीच में इस तरीके से, और ये थोड़े से आलू लगा रखे हैं, ये हल्दी का पेड़ दिख रहा है नीचे, हल्दी का पेड़ है वो, और ये मम्मी ने घास इकट्ठा कर रखी है। अभी जो काम वाला सोच का महीना पहाड़ी में तो सभी जानते हैं, सोच का महीना अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस बार थोड़ा लंबा चला था ये है। और ताई जी अपनी नातनी को ले जाते हुए, पर वो नहीं ले जा रही है, प्राची और प्राची की अम्मा। एवरीवन ये था लौकी का झाल, अब सूख चुका है, एक लौकी बची हुई है ये इस तरीके से, ये चूहे ने खा रखी है ये बीज के। एवरीवन मैं काट रही हूँ अब हरी सब्जी, मैंने धो धा के अच्छे से चार पांच बार धो दी है, अब हम काटते हैं हरी सब्जी। जो मैंने काटी थी वो मैंने लगा दी है, हरी सब्जी तभी अच्छी होती है जिसमें उसने बारीक से कटी हो
और मिर्च का छौंका लगाओ, रेड मिर्च का, और तेल थोड़ा ज़्यादा। तो ये लग गई है, इसको ढक देते हैं। पॉपकॉर्न इसमें डाल रखे हैं, पॉपकॉर्न बना रहे हैं। और ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा दिखता है, चॉकलेट से थोड़ा हल्का, जो चॉकलेट का चॉकलेट होती है उससे थोड़ा हल्का। तो मैं इसे बोलते हैं मडवे का आटा, ये बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसको भी थोड़ा गूंथ लूँ। और ये मम्मी सब्जियों ने गूंथने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है मडवे का आटा, ये बहुत हेल्दी होता है, मैंने गूंथ दिया, देखे ब्लैक ब्लैक सा ये है। इसकी रोटी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी।